नमस्कार, मैं बिहार जनसंवाद चकिया के माध्यम से आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2022 का सफ़र जो तय किया है, चकिया नगर पंचायत जो है नगर परिषद के रूप में तब्दील हो चुका है। आज हमारे बीच में मेहमान के रूप में हमारे सभापति प्रत्याशी पवन सराफ जी मौजूद हैं। मैं उनको इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो उन्होंने अपने कीमती समय देकर आज हमारे चैनल के बीच में आए हैं, मैं उसके लिए पवन भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कैसा रहा आपका नामांकन? सबसे पहले आपको धन्यवाद है कि आप इस चैनल के माध्यम से हमको भी बोलने का मौका दे रहे हैं। नामांकन हमारा बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हम लोग नॉमिनेशन दिए हैं। जैसे बहुत लोगों के नॉमिनेशन में आप देखे होंगे, कहीं चिकन चावल तो कहीं मटन चावल, इस टाइप का लोगों को गुमराह करके बुला के एक ऐसा प्रत्याशी लोगों ने नॉमिनेशन दिया है, तो ऐसे प्रत्याशी लोग चकिया का क्या विकास करेंगे? जो लोग नॉमिनेशन में क्विंटल का क्विंटल मीट, क्विंटल का क्विंटल चिकन, दारू, ये सब उन लोगों ने बांट के तब इन लोगों ने भीड़ इकट्ठा करके तब अपना नॉमिनेशन दिया है मेरे जो विपक्ष में लड़ रहे हैं। जैसे कि इन्होंने अभी ऐसी बात रखा कि धनबल के द्वारा लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात जो आज के डेट में हम लोग के लिए निराशाजनक है कि धनबल के द्वारा दुरुपयोग करके लोगों को बीच रूप में नामांकन में उपलब्ध कराना कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से चकिया के लिए अच्छा बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे इस चीज़ के लिए गुजारिश करूँगा कि आपके बीच में बहुत सारा सराहनीय कार्य लोगों के द्वारा देखा गया है, क्या यह मतदान होगा या मतदान होगा ये तो देखने की बात है। तो मैं पवन जी से सबसे पहला सवाल पूछूंगा कि इससे पूर्व में आपने सामाजिक जीवन में अपना जो भी आपका काम हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तारित रूप से लोगों के बीच में रखें। हम अपने सामाजिक जीवन में जब से राजनीति में आए तब से हमेशा लोगों का सेवा ही किए हैं। 2012 में पहली बार हम निर्वाचित हुए वार्ड पार्षद से, वार्ड पार्षद के रूप में हम अपने वार्ड के लिए पक्की सड़क, बढ़िया नाली, लोगों का जितना विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आवास का काम, शौचालय का काम, ये सब कुछ फ्री में किए। 2017 में हमारी पत्नी, चूँकि महिला सीट होने के कारण 2017 में पत्नी फिर पार्षद बनी। हम जो किए जनता के लिए वह आशीर्वाद के रूप में फिर हमें दोबारा मौका मिला, और उस दूसरी मौका में COVID-19 के समय जितना हम जागरूक रह के लोगों के बीच पूरे जिला में अस्पताल से लेकर एक एक पब्लिक के बीच जितना हम किए हैं वो सब चीज़ अपने एक मैनिफेस्टो बनाकर डायरी में फ़ोटो के साथ नगर परिषद के हर एरिया में दिए हैं जनता के बीच, ताकि लोग देखें इस चीज़ को कि एक मैं वार्ड कमिश्नर थे तो क्या किए, और आने वाले समय में सभापति का चुनाव हो रहा है, सभापति का जब चुनाव होगा अगर हमें जनता मौका देंगे तो निश्चित रूप से हम चकिया का एक एक घर के बारे में सोचेंगे, हर एक जनता के बारे में सोचेंगे, और चकिया का उत्थान के लिए जितना बढ़िया प्लान होगा उतना बढ़िया प्लान करेंगे। बहुत अच्छी बात है। आपके दोनों टेन्योर्स में लोगों के द्वारा जो आपने काम किया, साथ ही जैसे आपका महन हम लोगों ने सुना है कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो चंपारण चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स करके कुछ विवादित विषय का हम लोगों ने सुनने का मौका मिला था विश्व सूत्रों के माध्यम से, लेकिन आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से लोगों में क्या आप उसकी क्या उसका काम करते हैं, कैसे करते हैं, उससे सामाजिक स्तर पर लोगों को क्या लाभ मिलता है, उसके ऊपर अपनी कुछ बातें बताएं। आज से कुछ दिन पहले ही चकिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई है, जिसमें मुख्य भूमिका में हम लोग 4 से 5 आदमी थे, जिसमें श्यामा चाचा भी थे, हम थे, लखिंदर जी थे,
इस टाइप से हमने एक बैठक करके पांच आदमी पांच से हमने पांच लोगों से हम लोगों ने 200 लोगों का जोड़ने का काम किया और 200 लोगों को जोड़ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्थापना हुआ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसायिक संघ होता है, ये व्यवसायिक संघ से रिलेटेड जो भी मामला आता है उस पर हमारी कमेटी बैठती है, उस पर विचार करती है, किसी के साथ अन्याय न हो उसके लिए विचार कर कर उस पर जो भी उसका कागजी प्रक्रिया होता है वो हम लोगों ने आगे हर तरीके से मदद करने के लिए उस संगठन के माध्यम से हम लोग तैयार रहते हैं। लेकिन उसमें आपके विरोधियों के द्वारा ये बात आरोप लगाया गया है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो भी कार्यकारिणी आपके द्वारा जो बनाई गई है उसमें सिर्फ आपके वार्ड से ही लोगों को लिया गया है, क्या ऐसी बात सत्य है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे जो विपक्ष में जो भी लोग होंगे ये गलत अफवाह है, उसकी पूरी सूची है हमारे पास। हर रोड से पांच पांच कार्यकारिणी हमने लिया है और जो भी मुख्य कमेटी के लोग हैं उसमें भी हम लोग हर रोड से अलग अलग लिए हैं। जैसे श्यामा चाचा आपको मोतिहारी रोड से हैं, लखिंदर जी कुआवा रोड से है, हम खुद के सरिया रोड से है, हमारे अशोक जी जायसवाल वो साहेबगंज रोड से है। तो ऐसे हर रोड से मिला के कमेटी बनाई गई है, हर रोड से मिला के उसका कमेटी बना के और आगे का काम चल रहा है। उस पर एक महीने पे एक मासिक बैठक होती है, मासिक बैठक में जितने भी समस्या आती है उसमें हम लोगों के माध्यम से जितना होता है उतना हम लोग करते हैं। आप कहीं ना कहीं से एक संगठन से पहले से जुड़े हुए थे, जिस संगठन का यहाँ पे तत्कालीन में विधायक भी आते हैं और यह सवाल लोगों के बीच में बड़ा ही नाराजगी सा बात रहा, जिसको मैंने भी कहीं ना कहीं से जानने का प्रयास किया कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार के रूप में किन्हीं दो लोगों को उन्होंने चयनित किया जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, और इसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी है? हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में काम करते थे, लेकिन इन्होंने किसी भी कार्यकर्ता को बैठा के राय नहीं लिया गया है, इसलिए कि श्याम बाबू जी हमारे विधायक हो गए यहाँ के, इनको रबर स्टैंप जो है ना चेयरमैन चाहिए कि हम जो कहें वैसा ही चेयरमैन करे। तो हम लोग रबर स्टैंप पर जीने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग जनता के लिए चुने जाएंगे, जनता के काम के लिए चुने जाएंगे। वो कहेंगे आम तो हम लोग आम नहीं कर सकते हैं, उनको रबर स्टैंप चाहिए कि हम जो कहे वही हो। हम चाहते कि नहीं, जनता जो कहे वो काम हम करें। तो हम लोग दबाव में जीने वाले लोग नहीं हैं, वो चाहते कि हम दबाव बना के अपना काम करा ले। आज तक श्याम बाबू जी जीते हुए हैं, दो बार हमारे दूसरा बार विधायक है। अब जाकर सेखी चकिया का हालत देखिए, जाकर कुआवा गांव का हालत देखिए, जाकर चकिया गांव का हालत देखिए, जाकर फुलवरिया गांव का हालत देखिए। पाँच साल विधायक रहने के बाद दूसरी बार फिर जनता मौका दिया है पार्टी के नाम पर, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया है? अगर किया है तो वो मैनिफेस्टो बनाकर पब्लिक के बीच रखे कि हमने अपने विधायकी में इतना काम किया है, जनता के बीच में रखे, जनता के बीच जाए, तब तो उनको पता चलेगा। नहीं, आपके कथन पर मैं इस पर बिल्कुल ही जनता से मैं रूबरू होऊंगा, मैं हर वार्ड में जाने का प्रयास करूंगा, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी लोगों के बीच में संवाद करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पवन जी आपका मैनिफेस्टो क्या है? अगर आपको अगर जनता मौका देती है तो इस मौका को आप अपने 5 वर्षों में किस तरीके से रूपांतर करने का काम करेंगे? उसमें हमारा मुख्य बिंदु है चकिया को चकाचक बनाना, चकिया को सुंदर शहर बनाना। आप कई शहरों में देखे होंगे, देखने पे ही पता चलता है कि कितना बढ़िया सिटी दिखने में लगता है। तो सबसे पहला काम रहेगा चकिया को बिल्कुल ग्रीन चकिया, क्लीन चकिया बनाना। और शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारे नगर परिषद के एरिया में जितना भी जगह स्कूल है, हॉस्पिटल है, हम लोगों के माध्यम से जितना होगा उतना हम लोग करेंगे। शहर के सभी वार्डों में पूर्ण रूपेण जो पक्की सड़क नहीं बनी हुई है, जितना काम अधूरा रह गया है उस कार्य को पूरा करेंगे।
चलिए, ये तो आपका मैनिफेस्टो रहा। कोरोना काल में आपके द्वारा बहुत सारे सराहनीय कार्य करने को हमने हम लोगों ने देखा इस चीज़ को कि कोरोना काल में आपके द्वारा बहुत सारा कार्य किया गया, लेकिन साथ में जनता आज एक छोटी सी 12 वार्ड से निकल के और आज नगर पंचायत जो है वो नगर परिषद में तब्दील हो रहा है, जिसमें आपका कुआं पंचायत के 2 बार से मुखिया रहे, वो भी आपके सभापति प्रत्याशी हो रहे हैं। इससे पूर्व में हमारे यहाँ से सेखी चकिया से जो पंचायत आता है चकिया पंचायत के अंतर्गत, वहाँ से भी एक सभापति प्रत्याशी के रूप में एक महिला उम्मीदवार आपके बीच में आ चुकी हैं। और आपको कैसा महसूस होता है कि आपकी लड़ाई किन लोगों से है? अभी तो हम लोग जहाँ घूमते हैं वहाँ तो लगता है कि सब हमारे ही साथ हैं, लेकिन वो धीरे धीरे एक दो दिन में सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा और हमको लगता है कि आने वाले 2-4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि हमारी लड़ाई चुनू भाई से ही फंसेगा, उनकी पत्नी से, मतलब उनका जो नाम है महिला प्रत्याशी। चलिए, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि राजनीति में ध्रुवीकरण होगा, क्योंकि जिस मकसद से आज सोची साची राजनीति के तहत यहाँ के जो वर्तमान विधायक के फेसबुक चैनल से भी और बहुत सारा चीज़ों से लोगों उनके समर्थकों के चैनल से जिस तरीके से यह चीज़ रखा गया प्रत्याशी के रूप में, वैसे लोगों को उन्होंने डाला है जो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर से 5 वर्षों तक नदारद रहते हैं और क्षेत्र में सिर्फ चुनाव के समय ही दिखते हैं, वैसे लोगों को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है। पवन जी का स्पष्ट कहना है कि वो हम लोगों के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का ठेस है, हम लोगों के से कोई राय मशवरा नहीं की गई थी, फिर भी उनके द्वारा थोपा हुआ प्रत्याशी है। इससे पूर्व में भी हमारे जो वर्तमान सांसद हैं एवं वहाँ इसी पार्टी के विधायक पवन जायसवाल जी हैं, जिन्होंने इस बात के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत कराने का काम किया कि यह कहीं ना कहीं से ये आंतरिक लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। और मैं इस चीज़ पर जरूर कहना चाहता हूँ इस संवाद के माध्यम से कि एक युवा चेहरा जो आज हमारे बीच में है, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और अंत में मैं आप लोगों को भी, जो भी हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पे जो सुन रहे हैं संवाद को, मैं ज़रूर चाहूँगा एक युवा को भी यहाँ से मौका मिले और इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी शुभकामनाएं दूंगा। और अंत में एक शब्द मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि यह लड़ाई मतदान है या मतदान रहेगा? हम लोग तो चाह रहे हैं कि मतदान के रूप में ही ये चुनाव हो, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो चाह रहे हैं कि ये मतदान नहीं हो, ये मतदान के रूप में ये चुनाव हो। चलिए, इनका भी बिल्कुल वही सोच है कि लोकतंत्र की हत्या ना हो, लोकतंत्र में हम सभी लोग मतदान के लिए आगे बढ़ें और सामाजिक स्तर पर अपने कार्य को कर सकें। और एक युवा तुर्क नेता के रूप में हम लोग पवन सराफ को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई, आपका इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।